सबीना पार्क में खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली हैट्रिक ली। ऐसा करने वाले वो तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले हरभजन सिंह और इरफान पठान टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ले चुके हैं। मैच के दूसरे दिन भारत की पहली पारी के 416 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने पूरी तरह से बुमराह के आगे घुटने टेक दिए। यॉर्कर किंग ने पांचवी बार 5 विकेट लिए। 12.5 ओवर में ही वेस्टइंडीज का स्कोर 22 रनों पर 5 विकेट हो गया। जैसे बुमराह ने छठे ओवर में ओपनर क्रैग ब्रैथवेट को 10 रन के स्कोर पर आउट किया, वो सबसे तेज 5 विकेट लेने वाले पेसर बन गए। इससे पहले बुमराह ने चौथे ही ओवर में डेरेन ब्रावो, शमर ब्रुक्स और रोस्टन चेस को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की थी। इससे पहले के ओवर में उन्होंने जॉन कैम्पवेल को पवेलियन भेजा था। दिन का खेल खत्म होने तक बुमराह ने 9.1 ओवर फेंके, जिसमें कुल 16 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसमें 3 मेडन ओवर भी शामिल हैं। मैच में वेस्टइंडीज के 7 विकेट 87 रन पर गिर चुके हैं। पहली बार में भारतीय टीम ने 416 रनों का स्कोर खड़ा किया है। हनुमा विहारी ने सबसे ज्यादा नाबाद 111 रनों की पारी खेली। यह उनका पहला टेस्ट शतक भी है। ईशान शर्मा और विहारी ने मिलकर 8वें विकेट के लिए 112 रनों की पार्टनरशिप की। ईशान ने पहली टेस्ट 50 भी लगाई। शर्मा ने 80 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 57 रन बनाए। वहीं विहारी ने 225 गेंदें खेलकर 111 रन ठोके और 16 चौके भी लगाए। दोनों के अलावा कप्तान विराट कोहली ने 76 रन और मयंक अग्रवाल ने 55 रनों की पारी खेली। ये दोनों पहले ही दिन आउट हो गए थे। विंडीज के लिए कप्तान जेसन होल्डर ने 5 विकेट लिए। रखीम कॉर्नवॉल ने 3 विकेट अपने नाम किए। केमार रोच और क्रैग बैथवेट ने एक एक विकेट लिया।